तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बबल चैम्बर। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था वैसा डिटेक्टर जो इमेज फॉर्मेशन के ऊपर में काम करती है, तीन तरह की होती है। एक हम लोग देखे थे लास्ट वीडियो में, हम लोग देखे थे क्लाउड चैम्बर, आज हम लोग बात करेंगे बबल चैम्बर, और तीसरा न्यूक्लियर इमल्सन चार्ज पार्टिकल डिटेक्टर। तो MSc लेवल का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बबल चैम्बर। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे क्लाउड चैम्बर का कुछ लिमिटेशन था, हाईली एनर्जेटिक जो चार्ज पार्टिकल उसका ट्रैक को उससे डिटेक्ट करना पूरी तरह से संभव नहीं हो पाया, इसलिए उसके बाद डोनाल्ड ग्लेसर के द्वारा 1952 में इस बबल चैम्बर को बनाया गया नेशनल लैब ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो कि यूनाइटेड स्टेट में है। तो इस बबल चैम्बर के इन्वेंशन के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिलता है 1960 में। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर। ये एक स्टील चैम्बर है जिसमें ये एक ट्रांसपेरेंट प्लेट ग्लास का लगा हुआ है जिससे लाइट इजीली पास कर सकता है, और इधर कैमरा लगा हुआ है। इसके जैसे चार्ज पार्टिकल, आयनाइजिंग चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करेंगे और इसके अंदर में जो वेपर बबल जो फॉर्म होंगे उसका ट्रैक को यहाँ पर फोटोग्राफ लेने के लिए एक कैमरा का यूज़ हम लोग करते हैं। तो इसके अंदर में हम लोग सुपर हीटेड लिक्विड, बहुत समय में हम लोग इसमें जेनोन डालते हैं, बहुत समय में हम लोग इसमें लिक्विड हीलियम डालते हैं, हाइड्रोजन डालते हैं, अलग अलग तरह का लिक्विड यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर में रखने के लिए इसके अंदर एक सील्ड लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन का एक सील्ड इसके चारों ओर लगा हुआ रहता है ताकि इसका टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जा सके, और इसके बाहर एक वैक्यूम चैम्बर भी लगा हुआ रहता ताकि जो हम लोग चाह रहे, जो पार्टिकल आना चाह रहे वही जैसे आ पाए, उसके अलावा कोई दूसरा पार्टिकल जैसे यहाँ पर इन ना कर पाए। तो यहाँ पर सुपर हीटेड लिक्विड को हम लोग को रखना है, और एक चीज़ है, बाहर से प्रेशर देने के लिए हमारा एक प्रेशर सिस्टम भी यहाँ पर है जिसके माध्यम से हम लोग वी कैन इंक्रीज द एक्सटर्नल प्रेशर। सो दिस इज द प्रेशर सिस्टम। हियर ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड भी हम लोग रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इसमें दिखाया गया लोअर मैग्नेटिक पोल प्रेशर, जैसे हम लोग क्लाउड चैम्बर में हम लोग देखते थे जो एनर्जेटिक पार्टिकल जब वहाँ पर एंटर करता था मैग्नेटिक फील्ड के चलते उसका जो ट्रैक है वो थोड़ा सा बेंड हो जाता था, तो उससे हम लोग डिटेक्ट करने में सुविधा होता है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी कितना है। मैग्नेटिक फील्ड देने से फिर हम लोग बहुत सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं जैसे कि हम लोग क्लाउड चैम्बर में किए थे। तो अब हम लोग बात करते हैं इसका प्रिंसिपल पर। जैसे हम लोग पहले थोड़ा लिक्विड के बारे में बात करते हैं, हम लोग जानते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में लिक्विड के एक नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है, हम लोग जानते हैं 100 डिग्री। जब कोई लिक्विड को, जैसे वाटर को अगर हम लोग मान लें, वाटर को अगर हम लोग बॉयल करते हैं, या वाटर को अगर 100 डिग्री उसका टेम्परेचर को बढ़ाते बढ़ाते जब 100 डिग्री में आ जाता तो बॉयल होता और वेपर फॉर्म होता है। लेकिन ये जो वेपर जो फॉर्म हो रहा और 100 डिग्री में जो वाटर जो बॉयल हो रहा, क्योंकि बाहर का प्रेशर और अंदर में जो वेपर फॉर्म अगर होगा तो वेपर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर उस अवस्था में बैलेंस कर जाता है, इसलिए 100 डिग्री में वो उबलना चालू करता है। लेकिन वही लिक्विड वाटर का अगर हम लोग प्रेशर को अगर बढ़ा दें प्रेशर, तो अब वो 100 डिग्री में बॉयल हुआ नहीं होगा, आप लोग जानते हैं जैसे प्रेशर कुकर जिस प्रिंसिपल को मैं काम करता आप लोग जानते हैं। अब अगर प्रेशर को, बाहर का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर को अगर हम लोग बढ़ा दें तो अब उसको बॉयल करने में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हम लोग को चाहिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये लिक्विड वेपर फॉर्म नहीं होगा, बॉयल होने में इसको और भी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं हाई प्रेशर में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये इंक्रीज करेगा। तो हम लोग जैसे ही इस पर हाई प्रेशर देंगे, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करेंगे, तो इसके अंदर में जो लिक्विड अभी जो मिलेगा वो हम लोग बोलेंगे अभी जो लिक्विड वो सुपर हीटेड लिक्विड, लिक्विड ही है, वेपर अभी बना नहीं है,
लेकिन ये लिक्विड को अभी हम लोग नाम देंगे सुपर हीटेड लिक्विड। अचानक उसके बाद अगर हम लोग प्रेशर को रिलीज कर दे, कम कर दे प्रेशर को, सडनली अगर इसको प्रेशर को अगर रिलीज कर दे, तो ये सुपर सेचुरेटेड अवस्था में, ये सुपर हीटेड लिक्विड अभी सुपर सेचुरेटेड अवस्था में आ जाएगा। इस अवस्था में कुछ मिली सेकेंड तक ये रहेगा, उसी दौरान हम लोगों को आयनाइजिंग पार्टिकल, उसी दौरान हम लोगों को यहाँ पर माने उन लोगों का एंट्री कराना है। उसी दौरान जिस समय हम लोग प्रेशर को रिलीज करेंगे, उसी समय कैमरा हम लोगों का ऑन हो जाएगा और आयनाइजिंग पार्टिकल उस समय यहाँ पर एंट्री करेगा। तो जैसे आयनाइजिंग पार्टिकल यहाँ पर एंट्री करेगा, तो आयनाइजिंग पार्टिकल एंट्री करने से क्या करेगा ना, यहाँ पर वो पॉजिटिव नेगेटिव आयन में उसको आयनाइज कर देगा। ये जो सुपर हीटेड लिक्विड, जैसे हम लोग इसके पहले जो क्लाउड चैम्बर जो हम लोग बात कर रहे थे, क्लाउड चैम्बर का डेंसिटी बहुत ही कम था, लेकिन यहाँ पर ये जो बबल चैम्बर में डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर जैसे आयनाइजिंग पार्टिकल इन करेगा, तो सुपर हीटेड लिक्विड जो कि अभी सेचुरेटेड अवस्था में है, इसको आयनाइज करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन हो जाएगा, लेकिन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन जो बन जा रहा, वो प्लेस बनेगा कंडेंसेशन का, वहीं पर आपका कंडेंसेशन होगा, वहीं पर वेपर बबल बनना स्टार्ट हो जाएगा, और वेपर बबल साइज उसका तुरंत थोड़ा बड़ा होना स्टार्ट कर देगा, तो तब कैमरा उसका फोटो को आसानी से ले सकता है। मान लीजिए ये पार्टिकल इधर इन कर रहा है, तो जिस जिस रास्ता से वो गुजरेगा, उधर का पार्टिकल को आयनाइज कर देगा, पॉजिटिव नेगेटिव आयन बना देगा, और जहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव आयन बन गया, उसी जगह में वो आयन सेंटर या न्यूक्लियस का काम करेगा, जहाँ की वेपर का बबल फॉर्म होगा, और ये बबल साइज में तुरंत बड़ा हो जाएगा, जिसके चलते इजीली जिस जिस रास्ता से जा रहा वहाँ पर बबल का साइज बड़ा हो जा रहा, और उसका कैमरा में फोटो हम लोग ले सकते हैं, तो उसका पाथ को इजीली हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। ये इसका एडवांटेज है। जैसे हम लोग क्लाउड चैम्बर में देख रहे थे, वहां पर भी ऐसे ही लगभग सेम टाइप का प्रिंसिपल था, लेकिन अंतर क्या था, जैसे अभी हम लोग देखे बबल चैम्बर में वेपर बबल फॉर्म होगा, और वो भी किसमें, सुपर हीटेड लिक्विड में। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को समझना पड़ेगा। चैम्बर हम लोग बात करें बबल चैम्बर, बबल चैम्बर में वेपर बबल फॉर्म होगा, कहां पर, आयन के ऊपर में वेपर बबल फॉर्म होगा, और अवस्था जो होगा, जो हमारा जो यहाँ पर जो लिक्विड का अवस्था होगा, वो हम लोग बोलेंगे सुपर हीटेड लिक्विड का अवस्था में लिक्विड रहेगा। लेकिन क्लाउड चैम्बर में हम लोग क्या देखते हैं, लिक्विड ड्रॉप फॉर्म होगा। देखिए जस्ट इसका उल्टा, यहाँ पर बबल चैम्बर में वेपर बबल फॉर्म होगा, और क्लाउड चैम्बर में लिक्विड ड्रॉप फॉर्म होगा। यहाँ पर बबल चैम्बर में हमको लेना पड़ता सुपर हीटेड लिक्विड, और क्लाउड चैम्बर में हमको लेना पड़ता था सुपर सेचुरेटेड वेपर। तो वहां पर हम लोग क्या करते थे, सुपर सेचुरेटेड वेपर को सडनली जब उसका प्रेशर को हम लोग माने घटा देते थे, उसका वॉल्यूम जब बढ़ जाता था, तब वो लिक्विड के फॉर्म में वो आ जाता था। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को जब कम कर देंगे, तो ये सुपर हीटेड लिक्विड वेपर के फॉर्म में, वेपर बबल के फॉर्म में आ जाएगा। तो जस्ट ये दोनों में अंतर यह है, लेकिन ये जो वेपर बबल जो फॉर्म हो रहा, इसका जो डेंसिटी जो होगा, सुपर हीटेड लिक्विड या वेपर बबल फॉर्म जो है, उसका डेंसिटी इसके तुलना में बहुत बहुत ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं, जो क्लाउड चैम्बर में हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल अगर हो, तो क्लाउड चैम्बर में हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल जब इन कर रहा था, तो कम डेंसिटी के कारण पूरा पूरे ट्रैक को उसका डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल था, उसके पहले ही वो चैम्बर के वाल के साथ टकरा जा रहा था। तो पूरा पूरी उसको रोकना, ऐसे चैम्बर के अंदर पूरा पूरे रोकना और उसके पाथ को डिटेक्ट करना संभव नहीं हो पाया, इसलिए हम लोगों को बेबल चैम्बर और डेंस वाला चैम्बर हम लोगों को बनाना पड़ा। तो अब हम लोग बात करते हैं इसका एडवांटेज को लेकर के। जैसे मैं पहले ही बताया, यहाँ पर कोलिजन का चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस जो आयनाइजिंग रेडिएशन इन करेगा, यहाँ पर जो ये सुपर हीटेड लिक्विड के फॉर्म में जो है, यहाँ पर कोलिजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आयन्स बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाएगा, जिसके चलते बीम ऑफ आयनाइजिंग पार्टिकल बहुत जल्दी स्लो डाउन हो जाएगा, और उसका ट्रैक को इजिली हम लोग डिटेक्ट और इसका ट्रैक का फोटोग्राफ हम लोग बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। दूसरा है, चूंकि ये बहुत हाईली सेंसिटिव है, बहुत ही कम मिली सेकंड तक ये काम करता है, तो इसके अंदर दूसरा कोई ट्रैक, जिस समय आयनाइजिंग पार्टिकल इन करेगा, उस समय खाली एक ही ट्रैक हम लोग को देखने को मिलेगा। अनवांटेड जो ट्रैक है, इसका
चूंकि टाइम ऑफ वर्क बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव है, इसीलिए हम लोग का जो अनवांटेड ट्रैक जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाए। लो आयनाइजिंग पावर वाला पार्टिकल के लिए भी ये हाईली सेंसिटिव है। जैसे हाई एनर्जेटिक पार्टिकल के लिए तो काम करेगा ही, लेकिन लो आयनाइजिंग पार्टिकल अगर है, लो आयनाइजिंग पावर वाला पार्टिकल अगर हो, उसके लिए भी ये काम कर सकता है। और पहले भी मैंने बताया जो बबल तुरंत रैपिडली वो ग्रो कर जाए, उसका जो ग्रो करने का साइज बहुत ही तुरंत वो ग्रो करेगा, और जिसके चलते उसका पाथ को इजिली हम लोग ट्रैक आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो बबल चैम्बर जो हमारा काम कर रहा है, ये कुछ मिली सेकंड तक काम करेगा, फिर से हम लोग इसको फिर से ओरिजिनल स्टेट में हम लोग तुरंत इसको ला सकते हैं, फिर से रियूज के लिए हम लोग फिर से उसको तैयार कर सकते हैं। जैसे हाल के दिनों में हम लोग हाई एनर्जेटिक इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियंस के लिए, पहले जैसे हम लोग कुछ अल्कोहल ये सब का यूज करते थे, अभी हम लोग लिक्विड हीलियम का हम लोग यूज करते हैं 4 केल्विन में और 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर में। पायोन्स का या एनर्जेटिक प्रोटॉन्स का हम लोग स्टडी करने के लिए हम लोग लिक्विड जनन का भी यूज करते हैं। तो दिन ब दिन इसके अंदर का जैसे जो लिक्विड हम लोग लेंगे वो अलग अलग करके हम लोग चेंज कर रहे हैं। अभी तो ज़्यादा टेम्परेचर में, जैसे ये जो 4 केल्विन का मतलब बहुत ही लो टेम्परेचर, इससे ज़्यादा टेम्परेचर में कौन सा लिक्विड काम करेगा और कौन सा एनर्जेटिक पार्टिकल के लिए किस तरह का लिक्विड हम लोग को चाहिए, तो उसके आधार पर हम लोग यहाँ पर लिक्विड हम लोग डाल सकते हैं। जैसे हाईली एनर्जेटिक फोटोन के लिए हम लोग को चाहिए वैसा लिक्विड जिसका जो एटॉमिक जो डायमेंशन है थोड़ा सा लार्ज हो, माने उसका जो न्यूक्लियस जो बनेगा या आयन जो बनेगा, आयन बनने के लिए जो एटम का जो इस्तेमाल हम लोग करेंगे, माने जो लिक्विड जो हम लोग इस्तेमाल करें उसका एटम वो थोड़ा सा हैवी हो, तो हम लोग हाईली एनर्जेटिक फोटोन का भी हम लोग स्टडी इससे कर सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं बबल चैम्बर क्लाउड चैम्बर से, माने क्लाउड चैम्बर का जो लिमिटेशन उसको दूर करने के लिए हम लोग उसके स्थान पर हम लोग बबल चैम्बर का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में इतना ही।